मैम मैं कमिंग। यस किंजल कम। मैम एक बात मेरे गले नहीं उतर रही है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। यही ना कि स्वाति ने मेरे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस क्यों किया? यस मैम, मतलब आपने उसके लिए कितना कुछ किया मैम। एक इंटर्न को अपनी कोर टीम में शामिल किया, जब उसके पास रहने को घर नहीं था तब आपने उसे घर दिया मैम। मैंने सोचा स्वाति तो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है, पर किंजल मैंने उसके लिए जो कुछ भी किया है ना, कुछ स्पेशल नहीं किया है। अगर उसकी जगह कोई और इंटर्न होता तो मैं उसके लिए भी एग्जैक्टली यही करती। आई नो मैम, मैम आपकी कोई बात अगर उसे बुरी लगी है तो और कोई कंप्लेन कर सकती थी। ये भी तो कह सकती थी ना कि आपने उसको रात लेट तक बिठाए रखा या फिर आपने उसको डांटा। पर मैम यौन शोषण की कंप्लेन, आपको पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ है मैम? पूरा ऑफिस आपको गुनहगार मान रहा है। कल तक जो आपके पास आने के लिए डेस्परेट थे वो आज आपका नाम सुनकर कैसी बकवास कर रहे हैं मैम। किंजल भगवान ने लोगों को मुंह दिया है और उस हिसाब से उनको दिमाग दिया है, जो जैसा सोचेगा वो वही बोलेगा। और मुझे इस बारे में कोई फिक्र नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है या मेरे बारे में कोई कैसे रिएक्ट करता है। पर मैम मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, मतलब सुबह से लोग आपके बारे में गुसपुस कर रहे हैं ऑफिस में, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। किंजल व्हाई डू यू वरी, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मुझे किस बात का डरना। और रही बात लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो डू यू थिंक दैट आई गिव अ सिंगल डैम। पर मैम एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, मतलब लड़की किसी लड़के पे यौन शोषण का आरोप लगा सकती है लेकिन लड़की दूसरी लड़की पे यौन शोषण का आरोप लगाए, मतलब मैं तो पिक्चर ही नहीं कर पा रही मैम। तुम पिक्चर नहीं कर पा रही हो और ऑफिस के सारे मेंबर्स ने आई एम वेरी श्योर वीडियो तक विजुअलाइज कर दिया होगा कि कैसे जानवी ने उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की होगी, कैसे एक्सप्लॉइट किया होगा, कैसे उसे यूज किया होगा, अब्यूज किया होगा, किस तरह से उसे एक्सप्लॉइट किया होगा। मतलब आपने स्वाति को एक्सप्लॉइट किया, अब्यूज किया, यूज किया? नो 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 मैम, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हाट नो? एमडी की बात से तो यही लग रहा था। अच्छा तब मैं कहूं कि जब मैं सुबह ऑफिस आई तब निर्मल ने मुझे ये क्यों कहा था कि और जानवी मैम इज हैप्पी एंड गे? मैम मैम पर स्वाति ने ऐसा क्यों किया मैम? किंजल हाँ, तुम एक काम करो, स्वाति को केबिन में बुलाओ। आर यू श्योर? यस। अचानक ये आउटस्टेशन वाला प्लान कैसे हो गया तुम्हारा? माया जैसे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना, मेरे सारे प्रोग्राम वैसे ही बनते हैं। अच्छा बताओ वापसी कब की है? I think if everything goes well, probably in a week's time. Great. अच्छा एक बात तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया, वो अक्कू के मैटर का करंट स्टेटस क्या है? और जानवी को उल्टा सीधा तो नहीं कर रही ना? जानवी के दिमाग में तो अभी भी उस डिवोर्स नोटिस का रिप्लाई करने वाली बात है, बट फाइनल डिसीजन ऑफ कोर्स अक्कू का होगा। वेल आई एम श्योर तुम सब लोग बात करके एक प्लान ऑफ एक्शन पे तो पहुंच ही जाओगे। There's a little problem. क्यों? Actually, उस दिन अक्कू के घर पर मेरा और जानवी का झगड़ा हो गया था। That's sad. Hmm. मैं मुझे चलना चाहिए वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। Yeah, sure. तुम चलो क्योंकि फ्लाइट तो तुम्हारी मिस होनी है। Thank you so much. I'll see you. Bye bye. Okay. वहाँ पहुँचते ही कॉल करना प्लीज। I will. Take care. Bye bye. Bye. ये महिला यौन शोषण हमारे मस्तिष्क की उड़ान से परे है। एक महिला दूसरी महिला के साथ ऐसा कैसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिश्रा जी
चेंजिंग टाइम्स, फॉरेन कंट्रीज में ऐसे केसेस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे। तो इसमें तराने की कौन सी बात है? ये विदेश और इनकी विदेशी मानसिकता ने हमारे स्वदेशी पवित्र विचारधारा को प्रदूषित करके रखा हुआ है। मिश्रा जी, एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, फॉरेन कंट्रीज में भी वुमेन टू वुमेन सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं निकला, उन्हें भी मैन टू वुमेन सेक्सुअल अब्यूज की तरह ट्रीट किया जाता है। आपकी फॉरेन चालीसा खत्म हो गई हो तो हम समस्या की जड़ खोद दें। श्योर, आइए। अच्छा, ये सीसीटीवी फुटेज अगर होता तो इस समस्या का हल यूं चुटकियों में हो जाता, लेकिन कार्यवेला के बाद तकनीकी अधिकारियों ने सारे उपकरण बंद कर दिए। दुख होता है इनकी मूर्खता पर, लेकिन वो जो स्वाति के शरीर पर उभरे निशान हैं। यस, पर उनको प्रूफ मानकर हम डिसीजन नहीं ले सकते। जानवी इज अ कल्प्रिट, ये टू मच टू सून हो जाएगा। सत्य, हम प्रसन्न हुए। अब हमें सुश्री जानवी सेठ और सुश्री स्वाति राजपुत्र के बारे में समझना होगा, जानना होगा, और विशेषतः जानवी सेठ के लैंगिक रुझान के बारे में समझना होगा। लैंगिक रुझान? यू मीन सेक्सुअल ओरिएंटेशन? हाँ जी। आई सी। पर हमें स्वाति के हिस्ट्री के बारे में पूरा पता करना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किंतु अगर जानवी सेठ समलैंगिक हुई तो इसका मतलब है कि उसने स्वाति के साथ यौन शोषण किया। समलैंगिक होने से आप रेपिस्ट नहीं हो जाते, यू नो राइट है? ये कैसे किया, क्यों किया, किसने किया, ये जानना बहुत जरूरी है। ये भी ठीक है। डिजाइनर गिफ्ट भेजा था और तुमने उसे तोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। तुम्हारा अगर एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हें कोई फेंक दे तो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, पैसे, पैसे चाहिए ना तुम्हें? बताओ कितने चाहिए, मैं दूंगी तुम्हें। बस बस मुझे परेशान करना बंद कर दो, इस तरह मेरा पीछा करना छोड़ दो। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार अब नहीं करूंगा मैं। समझे? चल आज रात को मिल ही लेते हैं, ठीक 12 बजे एट योर प्लेस। जिमी तुम अब ये बताओ कि तुम मुझसे मिलोगी कि नहीं। आज अब बॉस हो, हू नोज कल हो या नहीं, एंड आई एम डैम श्योर हमारी कंपनी किसी गे और यौन शोषण करने वाले लोगों को तो ऑफिस में नहीं रखेगी। रेडी टू गो? यस यस। कहाँ? तेरे साथ जाने के लिए। लेकिन चीनो, इस टाइम तुम उसे कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कहीं भी लेके जाऊँ, तुमको प्रॉब्लम है क्या?